राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट दौसा में बड़ी रैली कर रहे हैं। इस रैली में पायलट की नई पार्टी का घोषणा हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हालांकि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पायलट की नई पार्टी को लेकर ऐसी तमाम अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने एक दिन पहले कहा कि ये सब अफवाह है, पायलट पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे और अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पायलट के साथ कई बार बातचीत हुई है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 मिलकर एकजुट होकर लड़ेगी। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर 11 जून को दौसा में हर साल कार्यक्रम होता है। इस बार दौसा में होने वाला कार्यक्रम सचिन पायलट के पार्टी के खिलाफ बगावती तेवरों के चलते चर्चा में है। उधर पायलट के करीबी सूत्रों का कहना है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री की ओर से गहलोत सरकार के सामने जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर कार्यवाही कर पायलट अब भी अड़ी है, उन मुद्दों पर कार्यवाही होनी चाहिए। सियासी गलियारों में हाल ही में चर्चा तेज हुई है कि पायलट जल्द ही अलग पार्टी का गठन कर सकते हैं। अब 11 जून को होने वाली कार्यक्रम को इस नई पार्टी के ऐलान से जोड़कर समझा जा रहा है। अब तक अपनी बात आलाकमान से मनवाने में नाकाम रहे पायलट का विधानसभा चुनाव से पहले इस कार्यक्रम को अंतिम चेतावनी भी माना जा रहा है। यही कारण है कि संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बार बार पायलट और गहलोत के बीच सुलह और एकजुटता का बयान दे रहे हैं। हालांकि पायलट के करीबी सूत्रों का कहना था कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान उन मांगों पर है जो वे पिछले कुछ महीनों से लगातार उठा रहे हैं। यदि मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो पायलट का अगला कदम क्या होगा, इसका ट्रेलर 11 जून को देखा जा सकता है। सचिन पायलट ने पहले अनशन और फिर अपनी अजमेर से जयपुर यात्रा के जरिए पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। हालांकि भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी होने के बाद भी उन पर कार्यवाही नहीं करने पर अशोक गहलोत सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उधर पायलट के करीबी नेताओं का ये भी कहना है कि वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करना प्रमुख मांग रही है, लेकिन इस पर अभी बहुत कुछ नहीं हो पाया है। सचिन पायलट 11 जून को क्या ऐलान करेंगे, इस पर बीजेपी की भी नजर है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि पायलट के मुंह से उसकी भी आगे की रणनीति तय होगी। भले ही पायलट कल नई पार्टी बनने का ऐलान नहीं करें, लेकिन जिस तरह से पिछले दो महीनों की 11 तारीख को पायलट ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरा, उससे आने वाले चुनावों में प्रदेश में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की बीजेपी की रणनीति को बल मिला है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई कि उनकी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ही अपनी सरकार को उन मुद्दों पर घेर रहे हैं जिन मुद्दों को लगातार बीजेपी उठा रही है। ऐसे में कल होने वाले पायलट के ऐलान पर बीजेपी ने भी अपनी नजरें जमा रखी है। बीजेपी का कहना है कि पायलट अपने मुद्दों पर डटे रहे, नहीं तो किस्सा कुर्सी का ही समझा जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।